नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं, सभी का अभिवादन करती हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग से मारपीट और उसके बाद उनके साथ अभद्रता करने के मामले में ट्विटर की मुश्किलें काफ़ी बढ़ चुकी हैं। ताज़ा जो जानकारी है वो ये है कि गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर के जिम्मेदार अधिकारियों से पूछताछ की तैयारी कर ली है। उसने ट्विटर के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष महेश्वरी को एक लीगल नोटिस भेजा है। ये नोटिस जो है उसका जवाब उनको 7 दिन के अंदर लोनी बॉर्डर पुलिस स्टेशन में आ करके देना होगा अपने बयान दर्ज करने के रूप में। इसी बीच इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी भी आज माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों से सवाल जवाब कर रही है। इस दौरान नए आईटी कानून पर चर्चा हुई और ट्विटर को नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, सोशल या ऑनलाइन न्यूज मीडिया प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल रोकने और डिजिटल स्पेस में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सम्मन किया गया है। कमेटी की अध्यक्षता तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर करते हैं और मैं आपको बता दूं कि नोटिस जो है एग्जैक्टली क्या है। नोटिस में कहा गया है कि ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया ट्विटर इंक के जरिए कुछ लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल का प्रयोग जो है वो गलत तरीके से किया है, एक हेट स्पीच के तौर पे किया है, समाज में नफरत फैलाने की कोशिश की है। इन कोशिशों को रोकने के लिए कंपनी की तरफ से अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। ऐसे में समाज विरोधी संदेश को लगातार वायरल होने दिया जा रहा है और पुलिस ने स्पष्टीकरण देने के लिए ट्विटर को 1 हफ्ते की मोहलत दी है। ये जो इतना सारा विवाद चल रहा है, थोड़ा सा अगर इस पर हम गौर करें तो पता चलता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस ने लोनी इलाके में अब्दुल समद अब्दुल समद नाम के एक बुजुर्ग के साथ मारपीट की और अभद्रता किए जाने का एक वीडियो वायरल होने के बाद ट्विटर समेत 9 पर FIR दर्ज की। इन सभी पर घटना को गलत तरीके से और सांप्रदायिक रंग देने की वजह से ये एक्शन लिया गया। सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि एक मुस्लिम बुजुर्ग को पीटा जा रहा है, उसकी दाढ़ी काट दी गई है। पुलिस के मुताबिक मामले की सच्चाई कुछ और ही है। पीड़ित बुजुर्ग ने आरोपी को कुछ ताबीज दिए थे जिनके परिणाम न मिलने पे नाराजगी हुई और नाराज आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया, लेकिन ट्विटर ने इस वीडियो को मैनिपुलेटेड किया और मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग नहीं दिया। पुलिस ने यह भी कहा कि पीड़ित ने अपने FIR में जय श्री राम के नारे लगवाने का बात भी इसमें सामने आई है। जिन लोगों पे मामला दर्ज किया गया है उनमें अयूब और नकवी पत्रकार हैं, जबकि जुबैर फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के लेखक हैं। डॉक्टर शमा मोहम्मद और निजामी कांग्रेस नेता हैं। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष उस्मानी को कांग्रेस ने पिछले साल अक्टूबर नवम्बर में बिहार विधानसभा चुनाव से उम्मीदवार के रूप में उतारा था। ये भी बड़ी समझने की बात है कि ट्विटर आखिर कटघरे में क्यों खड़ा हुआ है, क्यों वो एक्शन नहीं ले रहा है, क्यों वो भारत सरकार को कोऑपरेट नहीं कर रहा है, जबकि सरकार ये नहीं कह रही है कि आप कुछ इस तरीके का कीजिए। क्योंकि हमारे जितने बड़े बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, CM योगी हों, तमाम तरह के लोग ट्विटर पे हैं। मैं खुद ट्विटर पे हूँ और FIR में ये लिखा गया है कि गाजियाबाद पुलिस की ओर से स्पष्टीकरण जारी करने के बावजूद आरोपियों ने अपने ट्वीट जो है डिलीट नहीं किए, जिसके कारण धार्मिक तनाव बढ़ा है। इसके अलावा ट्विटर इंडिया और ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से उन ट्वीट्स को हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इसके खिलाफ IPC की धारा 153, 153A,
295A, 505 और 120B और 34 के तहत FIR दर्ज कराई गई है। कुल मिला के बात यह है कि अगर ट्विटर पे कोई भी ऐसी चीज़ प्रसारित की जा रही है, कोई भी ऐसी बात, ऐसी घटना, ऐसा वीडियो प्रसारित किया जा रहा है जिससे माहौल ख़राब होता है, जिससे दो लोगों के दिलों को दुख लगता है, दुख होता है, या दो कई समुदायों के बीच में ऐसी बात पनपती है कि उनमें दरार आ जाए, तो ये बात ट्विटर को भी सोचनी चाहिए कि ऐसा ना हो। इसीलिए एक गाइडलाइन तैयार की गई है जिसका अभी तक पालन नहीं किया गया है। सरकार बार बार ये कह रही है कि जो गाइडलाइन बनाई गई हैं उनको फॉलो किया जाए, लेकिन उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है लगातार। यही वजह है कि अब ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष महेश्वरी को लीगल नोटिस भेजा गया है और उनको 7 दिन के अंदर जवाब देना होगा। जवाब देने के लिए उनको लोनी बॉर्डर पुलिस स्टेशन में आना होगा और वहां आकर के उन्हें अपना बयान दर्ज करना होगा। तो दोस्तों फिलहाल केवल इतना ही और मैं फिर आपसे जल्दी मिलती हूँ किसी और अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।